हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक सो चलिए एनाटॉमी सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि रिविज़न हम लोग कर लेंगे फर्स्टली अपर लिम का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से सो so, आज हम लोग ब्रेकल प्लेक्सिस फर्स्टली से स्टार्ट करते हैं सिंपलीफाई वे में मैं समझाऊंगा नोट्स है देखते समझते चलिए सो so, ब्रेकल प्लेक्सिस ब्रेकल प्लेक्सिस प्लेक्स मीन्स है नेटवर्क ऑफ नर्व्स ओके ऑरिजिनेट कहाँ से होता है वेंट्रल रेमाई ऑफ सी फाइव टू टी वन पाँच पार्टों में डिवाइड है ब्रिकल प्लेक्सिस रूट्स ट्रंक्स डिवीज़न कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस रूट्स कौन कौन से सी फाइव टू टी वन सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी एट एंड टी वन ट्रंक्स अपर मिडिल लोअर डिवीज़न एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्ड्स लेटरल पोस्टीरियर और और ब्रांच जो कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं ठीक है थीके? ब्रांचेस कॉर्ड से भी ओरिजिनेट होते हैं रूट से भी होती है और यहाँ पे आपका ट्रंक से भी होती है ये एक पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है एक बार एम्स में सो देखिए तो रूट सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी टी वन ये सी फाइव और सी सिक्स रूट्स कंबाइंड होकर ट्रंक्स बनाए अपर ट्रंक C7 सेवन रूट जो है वो मिडिल ट्रंक को फॉर्म करता है और सी ए टर्टी वन लोअर ट्रंक को फॉर्म करता है सो अपर ट्रंक अब डिवीजन जो डिवाइड होगा अपर ट्रंक एंटीरियर पोस्टीरियर मिडिल ट्रंक भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवाइड होगा और लोअर ट्रंक भी एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड होगा अब मेनली आएगा कॉर्ड्स तो कॉर्ड्स को अच्छे से देखिएगा इसमें कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा तो कॉर्ड्स फर्स्टली अपर ट्रंक ऑफ एंटीरियर डिवीजन एंड मिडिल ट्रंक ऑफ एंटीरियर डिवीजन मिलके लेटरल कॉर्ड फॉर्म करती है ठीक है और पोस्टीरियर कॉर्ड सिंपल है हर पोस्टीरियर डिवीजन जो है अपर ट्रंक का मिडिल ट्रंक का लोअर ट्रंक का जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पोस्टीरियर कॉर्ड का फॉर्म करता है एंड ओनली जो लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन बचा वो करता है मीडियल कॉर्ड का फॉर्म ओके अब चलिए ब्रांचेस देख लेते हैं सो लेटरल कॉर्ड से याद रखिए एल एम एल ठीक है LML, ब्रांचेस ओरिजिनेट होती है लेटर लेटरल पेक्टोरल नर्व ियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व पुस्टीरियर कॉर्ड से पांच ब्रांचेस ऐसे याद रखिएगा लूनार आर एल फॉर लोअर यू फॉर अपर सब स्केपुलर नर्व नर्व टू लेटिसमस टॉड्स है और उसको थोड़ा डोर्सल नर्व भी बोलते हैं ए फॉर एक्सिलरी नर्व आर फॉर रेडियल नर्व ओके अब जो मीडियल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है फिर पांच एम फॉर यू ठीक है निमोनिक्स याद रखिएगा सो फर्स्ट एम हो गया मीडियल पेक्टोरल नर्व फिर हो गया मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड यू फॉर अल्नर नर्व अब देखिए रूट से भी दो हमारे ब्रांचेस ओरिजिनेट होते हैं डॉडसल स्केपुलर नर्व C5 से और C5 C6 C7 से ओरिजिनेट होती है हमारा लॉन्ग थोरॅसिक नर्व जिसको नर्व सेरेटस एंटीरियर भी बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करता है और या नर्व भी बोलते हैं इसे अपर ट्रंक से भी दो ब्रांचेस ओरिजिनेट होते हैं स्केपुलर नर्व और यहाँ पे नर्व टू सबक्लेवियस मसल ओके अब देखिए ये एक क्वेश्चन है एम्स में आई एन आई सी टी में कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग गिवन ब्रांचेस एक्सेप्ट ठीक है एक्सेप्ट विच वन सो कौन सा मेडिकल का कौन सा पार्ट है जो हमारा यहाँ से ब्रांच ओरिजिनेट नहीं होता है डिवीजन कॉर्ड्स तो डिवीजन डिवीजन जो है देखिए हम लोग पढ़ लिए रूट से ओरिजिनेट होता है तो यहाँ पे ट्रंक्स भी होता है अपर ट्रंक् से बट डिवीजन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन से एक भी ओरिजिनेट नहीं हो रहा है ब्रांचेस कॉर्ड से भी कॉर्ड से ही ब्रांचेस का एडाइज करता है तो कॉर्ड से भी होता है लेकिन डिवीजन से एक भी ब्रांचेस एराइज नहीं होता है ओके क्लियर अब देखिए रूट वैल्यू देख लेते हैं रूट वैल्यू ऑफ ब्रेकल प्लेक्सेस रूट वैल्यू ऑफ ड्रेकल प्लेक्सेस में लेटरल कॉर्ड का एल एम एल जो ब्रांचेस पड़े हैं उसका रूट वैल्यू होता है सी फाइव सी सिक्स सी सेवन कैसे समझ लीजिए सी फाइव सी सिक्स रूट वैल्यू और सी सेवन ये मिल के ये मिल के आपका जो एंटीरियर कॉर्ड था वो बनाता है लेटरल कॉर्ड बनाता था तो इसलिए इसका रूट वैल्यू हो गया सी फाइव सी सिक्स एंड सी सेवन ठीक है एल एम एल जो ब्रांचेस थे उसका अब देखिए लूनार लूनार जो ब्रांचेस था पोस्टीरियर कॉर्ड का उसमें एल यू एसका सी फाइव और सी सिक्स रूट वैल्यू होगा उसके बाद एन एन जो है उसका सी सिक्स सी सेवन सी एट रूट वैल्यू एंड आर रेडियल न सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी वन ठीक है हर जगह से ओरिजिनेट होता है उसके बाद लास्ट जो मीडियल कॉर्ड है उसमें से भी पांच ब्रांचेस तो तो बट एम अब सी ए टी वन से ओरिजिनेट होता है मीडियल कॉर्ड इसलिए ये साढ़े एम का वहीं से ओरिजिनेट होगा बस अल्नर नर्व याद रखेगा सी सेवन सी ए टी वन रूट वैल्यू है एक और क्वेश्चन है ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक्स ऑफ ब्रिकल प्लेक्सिस ठीक है ब्रिकल प्लेक्सिस के ट्रंक से कौन सा ब्रांचेस राइज होता है मेनली ये याद रखिएगा हम लोग अभी स्केपुलर नर्व और नर्व टू सबक्वियस दोनों ऑरिजिनेट होते हैं बट बट स्पेसिफाई अगर पूछा जाए तो नर्व नर्व टू सबक्वियस जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर है वो हमारा मेनली ट्रंक से ऑरिजिनेट होता है ठीक है बट सुप्राइज स्केपुलर नर्व जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द रूट से

अब चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अप्लाइड रिस्पेक्ट ठीक है क्लिनिकल पार्ट हम लोग देख लेते हैं बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है बार बार नीट पी में या एम्स में सो so, अच्छे से ये अप्लाइड रिस्पेक्ट आपको याद रहना चाहिए क्लिनिकल पार्ट सो अर्ब्स पॉइंट अर्ब्स पॉइंट किसे बोलते हैं अपर ट्रंक अपर ट्रंक का जो पार्ट है उससे हम बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट सी फाइव और सी सिक्स रूट वैल्यू से बनता था अपर ट्रंक उसको बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट और ये सिक्स नर्व यहाँ पे सिक्स नर्व आके

सुपरा स्केपुलर ये तीनों इस पैरालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं ठीक है अब कॉज कॉज क्या है बर्थ इंजरी जब बच्चे जो बर्थ कैनाल से जब बर्थ होने टाइम में जब जब मदर के फिटस जब बाहर निकलता है तो उसके ब्रिकल प्लेक्सिस स्टीयर्स होने के कारण यहाँ पे हो सकता है अर्थ पॉइंट ऊपर से बच्चे का नेक जब गाइनो में पढ़ेंगे कि जब बच्चे का जब निकलता है तो उसमें इंजरी होने के यहाँ पे एम्ब्रिकल प्लेक्सिस के अपर पॉइंट पे चांसेस होती है उसके कारण होता है एंड फॉल ऑन शोल्डर शोल्डर के फॉल होने के कारण भी हो सकता है साइन साइन क्या क्या दिखेंगे इसमें पुलिसमैन टिप्स हैंड ठीक है वेटर स्टिप हैंड एंड पोर्टर स्टिप हैंड ठीक है ये हमको देखने को मिलता है जिसमें हाथ आपका एक्सटेंट होता रहता है ये देखते हैं आर्म आर्म जो है वो एडक्ट एंड मिडियल रोटेटेड हो जाता है ठीक है एल्बो एक्सटेंडेड एंड फो फोर आर फोर आर ओके प्रोनेटेड एंड फिंगर फ्लेक्स्ड ओके ये हमको देखने को मिलता है अब आगे एक और इम्पोर्टेंट है हमारा केस पैरलिसिस ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कमरे में क्या होता है लोअर ट्रंक में इंजरी होने के कारण होता है ठीक है और इसका रूट वैल्यू सी एट और टी वन ठीक है लोअर ट्रंक का हम पढ़े थे सी ए टी वन था रूट वैल्यू और इसमें अल्दर नर्व और मीडियल नर्व इन्वॉल्व होते हैं ठीक है ठीके? जिसमें क्लॉ हैंड हो जाता है क्लॉ हैंड ये हुआ क्लॉ हैंड ठीक है जिसमें हाइपर ये जो मेटाकार्पल बोन और फेलेंजियस है ये हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है ठीक है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पो फेलेंजियल ज्वाइंट मेटाकार्डो फेलेंजियल ज्वाइंट ये आपका हाइपर एक्सटेंड हो गया और फ्लैक्सन ऑफ इंटर फेलेंजियल ज्वाइंट ये जो इंटर इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट है ये हमारा क्या हो गया जो फ्लेक्सड हो गया फ्लेक्सड हो गया इंटर इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट एंड मेटाकार्बो फिलेंजियल ज्वाइंट ये हाइपर एक्सटेंड हो गया ठीक है ऐसे देखने को मिलता है इसको बोलते हैं क्लॉ हैंड ठीक है मेटाकार्बो फिलेंजियल ज्वाइंट हाइपर एक्सटेंशन हो गया ठीक है मेटाकार्बो फिलेंजियल ज्वाइंट मेटाकार्डल बोन और फिलेंजियल बोन के बीच में एंड फेलेंजियस आपका ये फ्लेक्स हो गया इसको बोलते हैं ऐसे। चलिए, उसके बाद और एक साइन देखने को मिलता है हॉर्नर सिंड्रोम ठीक है T1 वन आ, रूट वैल्यू के कारण होता ही है और विंगिंग ऑफ स्कैपोला भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ लॉन्ग थोरेसिक नर्व औरटस एंटीरियर मसल के इन्वॉल्वमेंट के कारण होता ही है और हमारे साइन क्यों देख से साइन क्या देखने को मिलता है मीडियल बॉर्डर ऑफ सुपड़ा मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला बिकम प्रोनेटेड ठीक है प्रोनेटेड हो जाता है वो हमारा साइन हो गया चलिए थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी डालूंगा मैं सो so, ये सिंप्लीफाई में जितना वे में हुआ मैंने बता दिया सो थैंक यू सो मच